यस सभी को गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है बेटे? क्या नाम है आपका? आयुष। आपका क्या है बेटा? कशिश और आयुष। तो पहली क्लास है आप दोनों की, लॉ की। बाकी सबका जो है पहले से चल रहा है। कोशिश करूंगा आप सभी को, दोनों को क्लास में लेकर आऊं। अच्छे से समझना, हमारा सिलेबस क्या चल रहा है? लॉ का सिलेबस है। तो आपका जो पूरा का पूरा बिजनेस लॉ का सिलेबस है, आप सभी जानते हो, 100 मार्क्स का है। एग्जाम कैसे लिखना है? सब्जेक्टिव है, मतलब पूरा लिख कर आना है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। आपके सिलेबस के अंदर 100 नंबर का पूरा बिजनेस लॉ है, जिसके अंदर टोटल 7 चैप्टर्स होंगे। अभी चैप्टरों के नाम वाम याद मत करना, जैसे जैसे पढ़ेंगे नाम याद हो जाएंगे। सबसे मेन और सबसे बड़ा चैप्टर जो आपके पेपर में 35-40 नंबर देगा ही देगा, एक तरीके से पास करवाने वाला चैप्टर है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो जो मेरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, उस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर टोटल नंबर ऑफ यूनिट 9 है। कितने? 9 नंबर ऑफ यूनिट। क्योंकि 9 यूनिट क्यों है? क्योंकि भाई है भी तो 35-40 नंबर का। तो टोटल 9 नंबर ऑफ यूनिट में 1 अभी हमारा हो चुका है, यूनिट नंबर 2 हमारा पिछली क्लास में शुरू हो गया था। मतलब एक लेक्चर हमने यूनिट नंबर 2, जिसका नाम क्या है, कंसिडरेशन, वो कर लिया। और आज हम यूनिट नंबर 2 को कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की। उससे पहले मैं पिछले क्लास का, एज यूजुअल आप सभी जानते हो, हमारी क्लास में पहले क्या होगा, रिवीजन होने वाली है। तो जरा क्लास के अंदर आ जाएं। रिवीजन को मैं थोड़ा इस तरीके से करा रहा हूं, जो पहली बार बैठा हुआ है उसके भी दिमाग में सब कुछ आना चाहिए, जो पहले के बैठे हुए हैं उन सब बच्चों को रिवाइज हो जाएगा अच्छे तरीके से। बेटे मेरे, मेरे पूरे चैप्टर का नाम क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एक्ट का मतलब कानून। कहां का? अगर इंडिया में कोई भी दो या उससे ज्यादा लोग आपस में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और डेली बेसिस पर कई सारे कॉन्ट्रैक्ट हर पर्सन एक दिन में करता है। मान लो आपके पापा कार खरीदने जा रहे हैं, ये पापा हैं और ये है कार की कंपनी, ठीक है, टोयोटा मान लो। तो पिताजी गए फॉर्च्यूनर खरीदने, तो पापा ने कार वाले को ऑफर दिया, भाई फॉर्च्यूनर चाहिए मुझे, मिल जाएगी क्या? ऐसे नहीं बोला होगा, लेकिन बोला होगा। पापा ने क्या दिया होगा? एक ऑफर। अच्छा, कंपनी वाले मना कर देंगे क्या? नहीं जी, हम तो बस लगा के रखते हैं, बेचते नहीं हैं। हाँ, ऐसे करेंगे कंपनी वाले? कंपनी वाले उस ऑफर का क्या देंगे, कितने रुपए में मिलेगी, ये वो, डन, डील डन। दोनों के बीच में क्या हो गया? एग्रीमेंट। ऑफर और एक्सेप्टेंस जब दोनों ऐड हो जाते हैं तो उसको मैं क्या बोलता हूं? अच्छा, एग्रीमेंट मैंने आपको पहली क्लास में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पढ़ाया, दो टाइप के होते हैं, एक सोशल एग्रीमेंट और एक बिजनेस एग्रीमेंट, ठीक है। उसको बताने से पहले, क्योंकि कुछ बच्चे नए भी हैं, जरा उनको इस लेवल पे लेकर आऊं। बेटा कोई घर में कोई फंक्शन हुआ था लास्ट टाइम, कभी भी, 1 साल, 2 साल, 1.5 साल पहले गांव में एक पूजा हुई थी, तो पूजा में लोगों को बुलाया गया था या नहीं? किसने बुलाया था? आप सभी बेटे सुनना अच्छे से ना, किसने बुलाया था? जिसने पूजा करवाई होगी, पापा मम्मी दादा दादी जो भी होंगे। मान लो मम्मी पापा ने गांव के सभी लोगों को पूजा में, तो पापा ने उन सबको क्या दिया? यही ऐसे ही करते ना, कोई और तरीका है आमंत्रित करने का, या आंख मार के बुलाते हो? भाभी जी फर्स्ट फ्लोर पे खड़ी है, आ जाना भाई, सब बहुत पिटोगे, पब्लिक बहुत मारेगी तुम्हें। हाँ भाई, यही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है,
हम लोग क्या देते हैं, ऑफर देते हैं प्रॉपर तरीके से, एक सभ्य लैंग्वेज में प्यार से बोलते हैं, जी आप हमारे यहाँ शाम को सत्यनारायण भगवान की पूजा है, आप सभी को हम आमंत्रित कर रहे हैं, और उस पूजा के बाद भजन होगा, सॉरी भोजन होगा, मतलब भोजन होगा, ठीक है जी। अब बताओ वो लोग क्या करेंगे, मना करेंगे, जी हम तो कट्टर है, हम तो नास्तिक है, कोई बोलता है ऐसे, मैं तो मानता ही नहीं भगवान, नहीं ना, वो सिंपली बोलता है कि यस हम लोग आपकी पूजा में, क्या बन गया, अब शाम को आपने बढ़िया छोले पूड़ी, गर्दन से पानी से कुछ मिल जाए खाने को, बस पूड़ी छोले रायता वायता गुलाब जामुन वगैरह सब तैयार है, सत्यनारायण भगवान जी की जो पूजा करने के लिए सारा सामग्री सब तैयार है, आपने जिनको इनवाइट करा आमंत्रित किया वो लोग नहीं आए, मतलब उन्होंने एग्रीमेंट तोड़ा, अपना वादा जो है नहीं निभाया, बताओ आप क्या उन गांव वालों के खिलाफ आपके पापा सुबह कोर्ट में जाकर केस करेंगे, होता है ऐसा बेटे बताओ, होता है ऐसा, आप किसी को शादी में बुलाओ उन्होंने हाँ बोला वो नहीं आए, मैं पार्टनर की बात नहीं कर रहा जिससे शादी करनी है उसकी बात नहीं कर रहा, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, वो नहीं आए तो क्या आपके खिलाफ, आप उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेते हो, पता है वो एग्रीमेंट होते हैं, बट वो एग्रीमेंट सोशल एग्रीमेंट होते हैं, कौन से, हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सारे बिजनेस एग्रीमेंट बनाने हैं, जैसे कि यहाँ पर ए और बी के अंदर जो एग्रीमेंट बन रहा है, या कार को खरीदने और बेचने का बन रहा है, तो ये एक बिजनेस एग्रीमेंट है, ओके? तो भाई पापा जी ने 50 लाख रुपए की पेमेंट करी और पापा जी को क्या मिल गई, फॉर्चूनर, पापा ने फॉर्चूनर दौड़ाई यमुना एक्सप्रेसवे पे, 100 की स्पीड में चला रहे, अच्छी गाड़ी चल रही है, गाड़ी से बिल्कुल धक 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 धक, जैसे वो रोडवेज की बसों में नहीं होता, गए हो कभी रोडवेज की बस में, कभी सबसे पीछे बैठ के देखना, अभी मैं पोजीशन है कर नहीं सकता हूँ, अभी मैं थोड़ा बंदा हुआ हूँ यहाँ पे, ये तो मैं तुम्हें लाइव दिखाता कि कैसे होता है रोडवेज की बस में, ऐसे ऐसे उछल उछल के, वो पैसेंजर है नीचे से ऐसे उछल के ऊपर जाता सर लग के वापस, ठीक है रोडवेज में ऐसा होता है, तो भाई वैसी रोडवेज की बस की तरह वो टोयोटा फॉर्च्यूनर जो है ऐसे 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 होने लगी, यार नई गाड़ी खरीदी है 50 लाख रुपए की, सरेआम बेइज्जती हो रही है, सोचो फॉर्च्यूनर रोड पे खराब हो जाए, ठीक है कैसा लगेगा, बेइज्जती नहीं है, तो यार गाड़ी खराब हो गई, अब वो गया कंपनी में कि भाई ये तो गाड़ी तुमने खराब दे दी, वो कह रहे जी हम रिपेयर करा देते, अरे तो तुम कोई नई चीज लाओ और तुमसे बोलो रिपेयर करा देते कैसा लगेगा, मैं लैपटॉप लाया अगले दिन कह रहा है खोल के सही कर देता हूँ, तो पागल है तू, इसकी मैं पॉलिथीन 2 हफ्ते नहीं उतारूंगा, तू कह रहा है उसको खोल दू, मैंने कहा भाई नहीं मेरे को तो दूसरी गाड़ी चाहिए, अब वो नहीं दे रहा, उसके खिलाफ लीगल एक्शन लोगे या नहीं, क्योंकि बिजनेस एग्रीमेंट, ऐसे बिजनेस एग्रीमेंट जिन पर आप लीगल एक्शन लेते हो वही कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऑल वेल, ये तो यूनिट 1 का था, तो क्यों इतना सर बोल रहे हो, ध्यान से सुनना, पापा और कार वाला, कार वाले ने पापा को क्या दी और पापा ने उसको क्या दी, क्वेश्चन है दोनों पार्टी को एग्रीमेंट करते वक्त कुछ ना कुछ रिटर्न में मिल रहा है या नहीं, आयुष भाई मिल रहा है या नहीं, पापा को क्या मिल रही है और कार वाले को, इसी शब्द को कहते हैं कंसीडरेशन, क्या कहते हैं, कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कानून है नियम है कि दो पार्टी अगर आपस में कॉन्ट्रैक्ट बनाएगी तो कंसीडरेशन होना जरूरी है, यहां तक ओके, तो दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, उसका मतलब होता है कंसीडरेशन, इसको एक लैटिन वर्ड में कहते हैं कुड क्विड प्रो, ऑल वेल, तुम में से किसी का कोई फादर आए आए यहाँ पे कभी फीस देने, फादर आए या मम्मी जो भी है आइए, तो फीस किसने दी, मम्मी पापा ने आके, पढ़क कौन रहा है, पढ़ आप लोग रहे हो, फीस मम्मी पापा ने दी, क्या ऐसा बोल सकते हैं, मतलब कि कंसीडरेशन मुझे आपने नहीं दिया,
मुझे कंसीडरेशन किसने दिया? आपके मम्मी पापा ने। और पढ़ने आप आ गए तो क्या बोलूँ आपसे? मम्मी पापा को बुलाओ, उनको पढ़ाऊंगा, है ना? तो सर कंसीडरेशन दे कोई भी सकता है। कंसीडरेशन मे बी गिवन बाय प्रोमीजी और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ। बस यही लाइन क्यों बताई सर आज के क्लास में? क्योंकि आज का टॉपिक इसी से शुरुआत करूंगा, ठीक है? तो देखना रिवीजन सबसे पहले मेरे बच्चों, मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर चुका हूं, ठीक है? कंसीडरेशन का होता है क्विड प्रो क्यो समथिंग इन। इसका डेफिनेशन क्या होता है? जो नए बच्चे हैं अभी बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाना, जितना अभी तक मैंने बताया है जो बताऊंगा बस उतना समझ लेना, टॉपिक आ जाएगा और इसका बैकअप आपको मिल जाएगा। व्हेन एट द डिजायर ऑफ। अच्छा आयुष भाई, आप यहां पर फीस दोगे या दी होगी कुछ फीस, तो फीस के बदले में आपको हम लोग क्या पढ़ाएं? पूरा एक्सप्लेन करना जरा, बताना आपके सिलेबस में कितने सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से हैं? बिजनेस, लॉ, मैथ, अकाउंट और। तो आपको हम लोग यही चार सब्जेक्ट पढ़ाए या कुछ और भी, पांचवा सब्जेक्ट फिजिक्स पढ़ाए हैं क्लास में? बताओ बेटे। बेटे अच्छा लगे आपको मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ क्लास में? इज्जत करोगे एक दो मिनट तक, उसके बाद निकल साले, टीचर अपने घर का होगा। तू लॉ पढ़ाने आया, लॉ पढ़ा सही है। आपको मैं कोई और चीज यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ, ज्ञान दे रहा हूँ खामखा की। अच्छा कभी कभी ज्ञान देना होता है, उसको मोटिवेशन कहते हैं, लेकिन हर क्लास में 1.5 घंटे की क्लास में 1 घंटा 25 मिनट मोटिवेट करूँ? आओ बच्चों 5 मिनट बचे हैं पढ़ते, अच्छा चलो कल से पढ़ेंगे, अगले दिन फिर आगे 1 घंटा 25 मिनट बकवास करके चला गया, तो कितनी इज्जत करोगे? 2-3 क्लास, एक आधा तो क्लास में ही गाली दे देगा तेरे को, बहुत हो गया। मैं आया हूँ आपको लॉ पढ़ाने, आपने मेरे को फीस किस लिए दी है? चार सब्जेक्ट की ना, तो आपकी जो पढ़ाई, जो हम आपको सर्विसेज देंगे वो आपकी डिजायर के अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई? सर्विसेज आपको आपकी डिजायर के अकॉर्डिंग मिल। अब हमने आपसे फीस मांगी तो बताओ फीस कौन तय करेगा? तो फीस हमारी डिजायर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, मतलब जो रिसीवर ऑफ द कंसीडरेशन होता है वो रिसीव करता है कंसीडरेशन को अपने डिजायर के अकॉर्डिंग, कोई और थोड़ी डिसाइड करेगा। अब मान लो बच्चे डिसाइड करने लगे फीस, तो हमारे सेंटर की फीस 25 रुपए पर सब्जेक्ट से ज्यादा नहीं होगी अगर बच्चे डिसाइड करें? सर इससे ज्यादा महंगाई है मान रहे हैं, बट 25 रुपए बहुत होता है सर, 5 रुपए मिला के पराठे खा के आना बजे, और क्या चाहिए जीने के लिए? रोटी, कपड़ा, मकान, बेसिक नीड्स। आप भी सर, आपसे उम्मीद नहीं ऐसा बोल के निकल लो। इसीलिए फीस हम ही डिसाइड करेंगे, आप नहीं करोगे, डन। तो डिजायर मेरी है तो आप वो एक्ट करोगे, जब मैं आपसे फीस ले रहा हूँ तो आप फीस मुझे दे रहे हो, अच्छा आप भी दे सकते हो और कोई और बंदा भी दे सकता है, जैसे आपके फादर, या तो पास्ट की कोई एक्टिविटी के लिए आज पैसे दे रहे हो, या प्रेजेंट में, जैसे शाम को मोमोज खाने जाओगे, मोमोज खाए पैसे कब दोगे कि भाई ले लियो खाते में, लिख लियो, है ना जी? वो अच्छा चाइना में उधार नहीं चलता, पूछ क्यों? तो सारे एक जैसे लगते हैं बाद वो बोल के चले जाते हैं हाँ क्यों तो कल दूंगा, अगले दिन वो किसी और को पकड़ता, भाई मेरे पैसे दे, मैंने कब लिए तेरे पैसे? तो इसलिए चाइना का रूल है उधार दें, ठीक है? आगे बढ़े। तो हैड डन, डज और प्रॉमिस टू डू और सीरियसली चाइना का, मैं तुम्हें एक टॉपिक कराऊंगा, मिस्टेक टॉपिक का नाम है, यूनिट नंबर 3 का, तुम्हें चाइना का एग्जांपल दूंगा, मैं गया हुआ हूँ चाइना। अरे बात तो छोड़ो, वो समझ ही नहीं आती उस जगह, अभी बता दूं थोड़ा सा, बताओ भाई क्या हुआ, आज समय भी हमारे पास, थोड़ा सा बोल देता हूँ। मेरा दोस्त और मैं
मेरे दोस्त है उसकी सिस्टर, बड़ी सिस्टर चाइना में रहती है जहां से कोविड आया, उसी की देन लग रहा है मुझे वुहान में, ठीक है। तो उसकी जो सिस्टर है वो अपने भाई को, छोटे भाई को, दिनेश नाम है उसका, और मेरा ही, मेरा और उसका बर्थडे भी सेम डेट पे, परसों दोनों भाई का बर्थडे, हम दोनों एक दूसरे को पार्टी देते हैं 50-50, सुनना जरा। तो उसकी बेटे कुछ बात हो रही है क्लास में, आवाज क्यों आ रही है, फोन पे बात हो रही है क्या? तो उसकी बहन ना उसको बुला रही थी बार बार कि भाई आ तू मेरे से मिलने, आता क्यों नहीं, आता क्यों नहीं है। और दो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एक दिन वो गाड़ी चला रहा था, हम गुड़गांव की तरफ कहीं जा रहे थे, और झूठ क्यों बोलू, हम पैग लगा रहे थे आप नहीं पीता भाई, मैंने 3 साल हो गए बंद कर दिया, पहले पीता था, पैग लगा रहे थे। इतने में उसकी बहन का फोन आ गया कि अब मेरा आखिरी समय चल रहा है, मतलब मरने वाली बीमारी हो गई। अब वो लगे रोने, दारू पी के बंदा और रोता है नॉर्मली तो नहीं रोता, दारू पी के तो उसको तुम टच करवा दो कोई बात भाई। उसने कहा चल, मैं कहा चल मुझे क्या पता कहाँ जाना है, उसकी बस की नहीं, वो तो वो गाड़ी एयरपोर्ट ले आया। फिर उसने बताया चाइना चल रहा है, मतलब वो इधर आ चाइना चल रहा है, पासपोर्ट चाहिए होता उसके लिए, कह रहा हाँ वो तो है घर पे। तो मैं कहा मैं क्या करूँगा, कह रहा तू मेरा भाई नहीं है, मैं नहीं हूँ तेरा भाई, कह रहा तू चल ले भाई नहीं मेरी बहन, ये तू बस हो गई, यही बचपन की दोस्ती भाई। सुबह सुबह मेरी 8 बजे क्लास थी, सुबह सुबह 8 बजे मैं एयरपोर्ट पे था अगले दिन। अब क्या हुआ, चल महंगा ठीक है भाई चल लेते, कोई बात नहीं, इमरजेंसी थी, बात डेथ वेथ की थी तो थोड़ा सा बंदा इमोशनल भी हो जाता, दारू पी रखी थी तो हाँ तो बोल नहीं था उस टाइम, तो बंदा जान मांग लेता वो भी दे देते किसी और की अपनी थोड़ी। अब क्या हुआ भाई, जल्दी से आए, इमरजेंसी वीजा वीजा होता है, इमरजेंसी में गए एम्बेसी में वीजा दे दिया, वीजा मिल गया, चाइना का वीजा मिलना भी बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं, वीजा मिला। नेक्स्ट डे हम फ्लाइट पकड़ी पहुंच गए। अब जैसे ही वहां पहुंचे, एयरपोर्ट पे पहुंचे भाई, मेरे को भूख लगी बड़ी तेज। अब मैं किसी से पूछूं भाई खाना कहाँ मिलेगा, अब समझ ही ना आया उसको, मैं एक से पूछा, दो से पूछा, तीसरा मैंने तो फिर आ गया कोई जैसे ना, चाइनीज की ऐसी आंख होती है, जापानी की ऐसी होती है। ओ भाई मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं ना सारा मैं खुद ही ढूंढूंगा। अब मैं गया तो उनके खाने के स्टॉल लगे हुए थे, भाई साहब प्लेट के अंदर चमगादड़ ऐसे घूम रहा, ओ मेरे को बस वॉमिट नहीं हुआ, बस बस क्या ही बताऊं मैं तुझे। मैं अपने दोस्त को देखू, मैं 3:30 बजे से थक गया, पर तेरी बहन को कुछ हो जाए ना हो हमें, कह रहा कोई बात नहीं हम वहां भी तो भूखे रहे ना कई दिन, मैं कहा वही सुन खिला तो भाई हमने वहां पर, मैंने कहा चलो खाना कैंसिल पीते हैं। अब पीने में भाई वो समझ ही ना आए, तो हमने एक चीज पी ली, वो किसी जानवर का कुछ था, मतलब बिलीव नहीं करोगे लिटरली, मतलब था बड़ा अच्छा, पीने के बाद पता लगा कोई बात नहीं भाई निकल गए वहां से। अब वहां से निकले तो अब हमें टैक्सी पकड़नी है, अब टैक्सी के लिए एड्रेस कैसे पूछे, ये भी बड़ी समस्या। अच्छा चाइनीज़ और चीनियों में एक बात, इंग्लिश नहीं आ रही सालों से, वो अपने देश में चीनी बोलते हैं। अब भाई मैंने उनसे एक दो से पूछा तो कोई रिस्पॉन्स ही ना दे, तो मैंने अपने दोस्त को बोला यार अब क्या किया जाए। तो एक बंदा, वो तो आपको पता ही इंडियन खतरनाक होते हैं, एक इंडियन था, मैं अपने दोस्त को बोला, मैं ये टैक्सी वाला इंडियन है पक्का, कह रहा कैसे। तो उस बंदे ने, वही जो टैक्सी वाला था जिस टैक्सी में हम गए, वो ऐसे खड़ा हुआ था अभी पूरा पोजीशन, और फिर उसका मुंह बॉडी नहीं चेंज हो रही मैं ये इंडियन कह रहा कैसे बोला, मैं कहा इंडियन है ये, मैं कहा अभी देख जाके राम राम हो, मैं राम राम भाई, मैं तो राम राम वो मेरा दोस्त थोड़ा सा नहीं समझ पाया, मैं कहा देख नहीं रहा ताड़ रहा है तो वो छोरिया जा रही थी वहां से, देख रहा भाई ना पूरा 360 एंगल लिया। अब बैठ गए उसकी टैक्सी में,
टैक्सी में बैठे तो हमने उसको एड्रेस दिया, तो मैंने कितनी देर में पहुंच जाएंगे, वो इंडियन हमारा ही बाप था साला, कह रहा बस आ गए। मैं तो 3 घंटे 40 मिनट में पहुंचाया उसने, ठीक है बस ये बोल के कि बस। हम भी बर्दाश्त कर रहे थे उसको क्योंकि ऑप्शन नहीं था, हम उतर जाते तो जाते कैसे। अब कोई बात नहीं, पहुंच गए। अब पहुंच गए तो बैल बजाई, तो उसकी बहन का बेटा छोटा सा होगा 7-8 साल का, वो कुछ आइसक्रीम भी खाते हुए गेट खोला उसने। मैं कहा यार मौतों के घर में भी आइसक्रीम खाते हो सकता है चाइना का रिवाज। तो उसका मामा कह रहा, मामा लगे तो अगर मम्मी का अंदर मर रही है। अब हम सीरियस हो गए, सच में मर रही है। जाके देखा तो उसकी मम्मी, मतलब मेरे दोस्त की बहन, पेट पे वो पॉपकॉर्न का डब्बा सा था वो रख के भाई मस्त चाइनीज मूवी देख रही है ऐसे। हम जाके खड़े हुए, मतलब तू मरने वाली है, मेरा दोस्त कह रहा था। तो उसकी बहन ने कहा कुत्ते तू वैसे तो आता नहीं, तेरे को ऐसे बुलाया। और हम दोनों एक दूसरे को देखे, क्योंकि हमने अपनी गोल्ड की चेन बेच के टिकट दे दी। तो भाई मैं कहा मैं नहीं रहूंगा इस घर में एक मिनट। आग बबूले हो गए मेरे दोस्त ने और मैंने, हम बाहर चले गए। गए तो चीनियों की सड़कों पे घूम रहे, बहुत अच्छी सड़क थी। हम घूम रहे सड़कों पे और मेरे को एक दुकान दिखी, उस पर टी शर्ट थी, कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। चल चाइना आया तो कुछ लेके भी जा। तो मैंने दोस्त को बोला भाई अभी आ रहा हूँ। मैंने भी एक दुकान देखी, एक दुकान उसने भी देखी, वो बाद में बताऊंगा। भाई मैं चला गया अंदर टी शर्ट लेने में, मैंने 20 मिनट खराब करे, मैं टी शर्ट नहीं खरीद पाया, समझ ही नहीं आ रहा था कुछ। वो पता नहीं क्या कह रहा, मैंने गाली मत दे। उनकी हर बात माँ की लगती है, ठीक है, और हमारे इंडिया में माँ की आ गई तुम सब जानते हो। मैं बस हो गया। अब मैं वहां से निकल के बाहर आ गया तो एक जगह भीड़ लगी हुई थी। हम इंडियन की आ जाता कहीं भी भीड़ लगी, रुक के जरूर देख लिया कि हुआ क्या। मैं भी रुक गया देखने लगा, देखा तो मेरा दोस्त गरीब सी मुंह बना के वहां बैठा हुआ, मुंह बना के ऐसे बैठा हुआ जैसे किसी चोर को नहीं बिठाए थे रेलवे स्टेशन में चोरी कर रहा नीचे ऐसे। भाई वो ऐसे बैठा हुआ, तो इसमें क्या हो गया, मैं क्या हो गया ये तो पता नहीं। मैं तो बैठा क्यों गया, इन्होंने बिठा रखा, पुलिस खड़ी थी। अब मैंने उनसे पूछा क्या हो गया, उनने फिर वही मार दी। सुधरोगे नहीं ये तो बता हमने किया गया। तो वहां ना एक वो लोग उसको मानते हैं, मतलब बौद्ध धर्म को, ठीक है, वो बौद्ध धर्म का एक पूरा इंस्टीट्यूशन था कोई, और उसके ऊपर दीवार पे भी कुछ पोस्टर्स लगे हुए थे। अब चाइना में लगे हुए था, हमारे इंडिया में दीवारों पे क्या लिखा होता आप सभी जानते हो। नहीं पता, ठीक है, हमारे यहाँ डैश करना बना। अब मेरा दोस्त क्या रहा, उसको दूसरी दुकान दिखी थी, वो था ठेका, वो ठेके से दारू लाया, बियर लेकर आया था, और उसी की दीवार पर पांव रख के मस्त बियर पिया था, और बहुत बड़ा अपराध था वो वहां के लॉ के अकॉर्डिंग। अब पी के उसको गरीबों की तरह बिठा रहा, तू इसी लाएगा चाइना में नाले पुलिस वालों के अंदर चढ़ गया, तेरी जिंदगी खराब है। कहता गाली बाद में बचा भाई, निकलवा जा। फिर मैंने ऑफिसर से बात करी, मैं क्योंकि लॉ पढ़ाता हूँ तो लॉ के बारे में सब जानता हूँ। मैं तो ऑफिसर इसको मिस्टेक हुई है, इसको इंडियन लॉ के बारे में पता है, आपके यहाँ के लॉ के बारे में थोड़ी पता, लिखा गया तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा इसको क्या है। तो फिर उसने हमें वार्निंग देके जाने दिया। चाइना की कहानी ये पूरी की पूरी, वहाँ के रेस्टोरेंटों में चलता हुआ चमगादड़ खाते हैं। आप लोग देख भी नहीं सकते, हम इंडियंस देख नहीं सकते कितना बुरा हाल है वहाँ चाइना का। चलो वापस आते हैं, ठीक है। तो आई कहानी चाइना की। चलो बेटे, तो कंसिडरेशन के रूल्स मैंने आपको बोला था, कंसिडरेशन के रूल्स सेकेंड प्रायोरिटी का क्वेश्चन है इस चैप्टर से। इस चैप्टर से कंपलसरी बड़ा क्वेश्चन आएगा ही आएगा 100%। मैं आज की क्लास में बता भी दूंगा कौन सा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सुनना, रूल्स फॉर वैलिड कंसिडरेशन। तो पहला रूल क्या है, कंसिडरेशन हमेशा प्रोमिसर की डिजायर पे होना चाहिए।
मैं पढ़ा रहा हूँ ना, फीस मेरे अकॉर्डिंग होगी। आप किसी से फोन खरीदने जाओ तो मोबाइल फोन की कीमत कौन तय करेगा? वही बंदा ना। दूसरा, कंसीडरेशन प्रोमिसी भी दे सकता है और उसके ब्याह पर, इसके लिए मैंने चेन्नैया रमैया का केस बताया था, जो नए बच्चे हैं उनको पता लग जाएगा बात। तो आप फिलहाल इतना समझो, आपके ब्याह पर आपके माँ बाप आपकी फीस दे सकते हैं, ठीक है। कंसीडरेशन पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी और फ्यूचर भी हो सकता है। मान लो एग्रीमेंट दोनों ने किया बट दोनों ही परफॉर्म फ्यूचर में करेंगे, तो फिर फ्यूचर कंसीडरेशन हो गया। कंसीडरेशन की कुछ ना कुछ वैल्यू होना बहुत जरूरी है, इवन एक रुपए भी हो बट होना चाहिए मॉनेटरी कंसीडरेशन। लेकिन जब इनएडिक्वेट यानी कि कम वैल्यू का कंसीडरेशन होता है तो चेक करना पड़ता है कि वहां कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं की गई है। कंसीडरेशन रियल होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। इमेजिनरी मतलब इल्यूजरी नहीं होना चाहिए, समझ गए। और कंसीडरेशन कभी भी एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन पर नहीं देना चाहिए। एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन, आप सब, मेरी ऑब्लिगेशन आपको पढ़ाना है या नहीं है? और मैं आपसे हर क्लास का पनीर पराठा ले रहा हूँ, नहीं समझे? मैं आपसे कह रहा हूँ आज पढ़ाऊंगा लेकिन पिज्जा खिलाओगे तो, ये क्या बात है? तुमने ऑलरेडी मुझे क्या दे रखी है? तो मैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लाइबल हो गया, तो मैं जब एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन में हूँ तो मैं तुमसे दोबारा थोड़ी कुछ मांग सकता हूँ। ऑल वेल, बस यहीं तक पढ़ाई हम लोगों ने की। जो नए हैं क्या वो क्लास में आ चुके हैं माइंड से, समझ गए? अब आज की क्लास को शुरू कर रहे हैं। आज की क्लास कंसीडरेशन चैप्टर से अगर मोर देन 90% क्वेश्चन अगर आएगा तो आज की क्लास से ही आएगा, डन। तो प्रयास करूंगा आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने का। आज की क्लास का टॉपिक है प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट। क्या नाम है? प्रिविटी टू। ऑल वेल, हम मानते हैं, एक्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, कानून कह रहा है, हम मानते हैं कि जब दो पार्टी आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है तो कोई थर्ड पार्टी कंसीडरेशन दे। मैंने बोला ना, कंसीडरेशन मे बी गिवन बाय प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ प्रोमिसी, यस और नो? मैंने बोला था ना आज का टॉपिक यही है। हो सकता है कि बी के बिहाफ पर कौन कंसीडरेशन दे दे, सी कंसीडरेशन दे दे। लेकिन एक बात बताओ, कल को कोई गड़बड़ होती है कॉन्ट्रैक्ट में, मान लो ए ने कोई गड़बड़ कर दी, क्या ए पर केस फाइल सी कर सकता है? आया कुछ समझ में? इसी को कहते हैं प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब हमें पता है, हम मानते हैं कि स्ट्रेंजर कैन गिव द कंसीडरेशन, लेकिन स्ट्रेंजर पे अधिकार नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी पर केस फाइल कर सके। स्ट्रेंजर पे इसका कोई भी अधिकार, ऑल वेल, दिस इज कॉल्ड प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट। बस इतनी सी बात सर, इतनी सी बात है। हमें एक्चुअली में इस टॉपिक में कुछ ऐसे पॉइंट पढ़ने हैं जहां पर एक स्ट्रेंजर भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी पर क्या कर सकता है, केस कर सकता है। पेपर में ये आएगा, एक्सेप्शन टू द प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट। जनरल कंसेप्ट क्या है? स्ट्रेंजर cannot take legal action against contracting. एक केस था, एक कंपनी थी डनलप रबर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, उसने अपने ना टायर्स बेचे किसी होलसेलर को। किसको बेचे? तो डनलप रबर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने जब होलसेलर को अपने टायर बेचे, हाँ जी, ए भैया बस एक क्लास हो रहा है खत्म, तो डनलप रबर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और होलसेलर, ये तो पैसे आने का मैसेज होता ऐसा मत बोलो, ऐसा क्या? चलो जी,
खुशी हो जाती है ना, लिखा होता है अमाउंट अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, और दुख हो जाता है जब डेबिट हो जाता है। चलो, डनलॉप रबर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने होलसेलर को टायर बेचा तो बेचते वक्त एक बात बोली। डनलॉप ने बोला, देख भाई मेरी है मार्केट में गुडविल, तो तू मेरे टायर्स को एक ऐसी अमाउंट पकड़ लेते हैं 100 रुपए से कम में मत बेचिए, इससे सस्ता, समझ गए। होलसेलर ने कहा ओके सर, तो दोनों के बीच में क्या बन गया, एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी कौन है? अब क्या हुआ, होलसेलर तो होलसेलर है, होलसेलर ने वो किसको दिया, तो होलसेलर ने भी रिटेलर से एक एग्रीमेंट किया कि भाई 100 रुपए से कम में टायर मत बेचियो, ऑल वेल। तो रिटेलर ने कहा ओके, तो यहाँ कौन सा एग्रीमेंट बन गया, सेकंड एग्रीमेंट। अब मान लो रिटेलर ने टायर्स बिलो 100 बेच दिए, पहले बताओ इसने एग्रीमेंट ब्रीच किया या नहीं? गुस्सा आ गया इस बंदे को, क्योंकि इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसकी गुडविल थोड़ी है, फर्क किसको पड़ा। और डनलॉप रिटेलर के अगेंस्ट में लीगल एक्शन लेना चाहता है, ले सकता है क्या? बोलो ना, नहीं सर। क्यों सर? अबे रिटेलर से तो एग्रीमेंट होलसेलर का बना था, और डनलॉप तो रिटेलर के लिए कौन सी पार्टी है, थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी कैन नॉट टेक अगेन लीगल एक्शन अगेंस्ट एनी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। आया कुछ समझ? हाँ, रिटेलर ने जो गड़बड़ करी उसके लिए केस कौन करेगा? अब एक बात बताओ, आपने घर में कोई कोई गड़बड़ करके घर पहुंचे तो आपको कूटने का अधिकार किसका है, मम्मी और मान लो पड़ोसी का बाप भी आगे तुम्हें लड़ा कर दे, भाई साहब मर्डर कर दोगे उसका, अपना तो छोड़ो, अब तेरी ऐसी की तैसी। इमेजिन करो, मामी जी भी वहीं से गुजर रही थी, सब्जी लेने आई थी, उसने भी सब्जी मुंह पे फेंकी हमारी, काम चोर, चार बात बोल के वो भी चली गई। अब मेरे माँ बाप बोलेंगे ना, किसी और की बोलेंगे भाई। अभी रिटेलर पे केस होलसेलर करेगा, ये थोड़ी दुनिया में कोई भी आगे केस कर जाए, आगे समझ में। मैं प्रैक्टिकल तरीके से बताता हूँ, आज मेरे को समझ में आ जाता है जल्दी से। जनरल कंसेप्ट प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट का, तो प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट मींस ए स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर मतलब थर्ड पार्टी, कैन नॉट फाइल सूट अपॉन पार्टीज टू इवन दो ही हैज गिवन, चाहे उसने कंसिडरेशन दिया, आप कॉन्ट्रैक्ट केस नहीं कर सकते। मैंने एग्जांपल दिया, मोटू सोल्ड हिज कार टू जॉन द डॉन, देखा है तुमने, इन दोनों के बीच में बड़ा मजा आता है, वो हमें जो साजिश रचता है, मोटू पहले फंस जाता है, बाद में बहुत मारता है, समोसा। तो मोटू ने इस बार जॉन द डॉन को 1,00,000 रुपए में गाड़ी बेच दी, और कुछ दिनों बाद कार में कुछ प्रॉब्लम हो गई, देखा तो इंजन जो था वो लोकल था। Here only John the Don can file suit upon. अब John the Don के अगल बगल में दो उसके वो रहते हैं, चमचे, क्या नाम है उनका, भूल गया मैं, जो भी नाम हो, ठीक है। तो वो चमचे जो है वो मोटू पे केस फाइल, सिर्फ John the Don ही जाएगा, ऑल वेल। तो इसको प्रैक्टिकली मैंने यहां बताया, डनलॉप रबर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और होलसेलर के बीच में फर्स्ट एग्रीमेंट बना। तो एज पर द पॉलिसी ऑफ मैन्युफैक्चरर, यानी कि डनलॉप, टायर्स शुड नॉट बी सोल्ड बिलो $5। डनलॉप पास द इंस्ट्रक्शन टू होलसेलर, और होलसेलर ने किसको दिया, द रिटेलर सोल्ड द टायर फॉर $4। नाउ डनलॉप वांट्स टू फाइल सूट अगेंस्ट, तो जो नए बच्चे हमको बता दो, ये जो लास्ट लाइन है ना, वन नोट्स पे जब पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं तो कट जाता है, बट कट के वो डिलीट नहीं करते, देखो ये लाइन और ये लाइन दोनों सेम है, ठीक है। तो क्या डनलॉप सक्सीड होगा केस करने में? नहीं, नो, डनलॉप कैन नॉट क्लेम अगेंस्ट रिटेलर बिकॉज देर इज नो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू, बोथ आर स्ट्रेंजर फॉर। बताओ कैसा लगा प्रिविटी,
बेटा प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट का ये जनरल कंसेप्ट है, याद रखना। कानून में अगर आप कभी जनरल बात सुनो ना तो समझ लेना उसके एक्सेप्शंस भी है। एक्सेप्शन मतलब वो सिचुएशन जहां पर ये रूल अप्लाई, तो अब मैं वो एक्सेप्शन पढ़ाने जा रहा हूं। एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस मतलब वो सिचुएशन जहां पर स्ट्रेंजर जो है, जहां पर स्ट्रेंजर लीगल एक्शन ले सकता है, जहां पर स्ट्रेंजर लीगल एक्शन ले सकता है। ऑल वेल, तो आपको सबसे पहला वाला एग्जांपल देते हैं, ये फिर प्रॉब्लम क्रिएट करे। है के मारू कैसे? एक मिनट रुको, गर्मी इतनी हो रही है भाई साहब, एसी का भी लग नहीं रहा है, एसी चल रहा है। 16 पे कर दो, स्विंग मुझे नहीं आता। चलो भाई देखते हैं सही हुआ या नहीं। आ जाओ, स्ट्रेंजर कैन टेक लीगल एक्शन, कैन टेक। ऑल वेल, एक एग्जांपल सुनना, एक एक करके कई सारे एग्जांपल्स देने। नंबर वन, इन द केस ऑफ ट्रस्ट beneficiary can file suit upon trustee. Trust के केस में beneficiary trustee पर केस फाइल कर सकता है। बड़े अच्छे से सुनना, क्या कह रहे हो सर? ये लाइन को समझाऊंगा बाद में, पहले एग्जाम्पल सुनो। मान लो एक फादर है, उस फादर का बड़ा घर है प्लस उसका बिजनेस भी है, ठीक है। ये फादर की एक ही बीवी है, इंडिया में एक ही होती है, फॉरेन में ज्यादा होती है। आई हैव 3 wives 9 children, वो फॉरेन कंट्री में होते हैं, इंडिया में तो एक ही होती है। और एक उसका बेटा है, सन, सन की एज है 12 साल। क्या उम्र है? बीवी को किसी और से मोहब्बत हो गई, और ये सारी बातें काल्पनिक है। वाइफ को कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल गया, वाइफ हो जाता है। और लॉन्डो तुम लोग क्यों हंस रहे हो? तुम भी कम कौन सा हो, ठीक है। आज तो आगे बढ़ते हैं। तो जी, इसका मान लो अफेयर हो गया, किसी का भी हो सकता है। फिलहाल मेरे एग्जाम्पल में इसी का करवाऊंगा, एग्जाम्पल सही नहीं बैठे। और फिर ये किसी मिस्टर बी के साथ में चली गई, शादी हो गई है, जो भी फरार है, जो भी मान लो तुम, ठीक है। तो लाइफ से ये हिस्सा, लेकिन फिर इस बंदे को गम हो गया है ना, अब इसको गम हो गया, मोहब्बत चली गई हाथ से। अब गम में ये फादर जो है वो शराब पीने लगा, प्लस है ना, अब जो भी है स्पेलिंग ठीक है मेरे अकॉर्डिंग, समझ गए तुम? दारू पी, सिगरेट पी, गम में रोज रात को मस्त पैक लगाता था और गाना चला जाता था, पुराना 1970s की चिंगारी कोई बढ़के, तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए तो उसे कौन बुझाए, ऐसे वाले गाने चला के हो गए 6-8 महीने। और इस फादर को हो गया क्या, ठीक है यहाँ तक ओके। पापा को कैंसर हो गया और डॉक्टर ने वही, जैसे बॉलीवुड की फिल्मों में नहीं बोलते, गेट खोलते ही बाहर, अभी ने दबाव की नहीं दुआओं की नहीं। डॉक्टर ने यही बोला कि जी 2-3 महीने के मेहमान है, इनको खिलाओ पिलाओ।
ठीक है, वो फादर घर पे आ गए, वो और पीने लगे, मुझे पता है 2 ही महीने थोड़ी और पी लो, ठीक है, अब तो कैंसर जाएगा नहीं। लेकिन एक चिंता खाने लगी, क्या खाने लगी, मेरा जो बेटा है वो उम्र कितनी है, अब मेरे जाने के बाद मेरा बेटा ना तो घर चला सकता है ना बिजनेस चला सकता है, बोलो हाँ या ना, क्योंकि बेटा तो माइनर है, छोटा बच्चा। फादर ने कहा जाते जाते कम से कम इतना तो करो कि इस बेटे का जीवन थोड़ा सा सही करके जाए। तो फादर जाता है किसी ट्रस्टी के पास, ट्रस्टी कौन होते हैं, जो ट्रस्ट नहीं होते जिन पे हम बिलीव करते हैं, वो हमारे सामान को देख रेख करते हैं हमारी। तो फादर ने इस ट्रस्टी के साथ में एक एग्रीमेंट किया कि जब तक मेरा सन 18 साल का नहीं हो जाएगा तब तक आप मेरे पूरे बिजनेस को संभालो, मेरे घर को संभालो। ओके, ट्रस्टी ने कहा ओके। बताओ एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ, 2 महीने बाद फादर जो है वो नर्क चले गए, इतनी शराब पी के स्वर्ग पहुंच जाता है भाई, ठीक है। तो पापा जो है चले गए, अब पापा चले गए, बच्चा वेट करा, 18 साल का ये बच्चा हुआ तो ये गया ट्रस्टी के पास, लाओ जी लाओ मेरी संपत्ति लाओ। तो ट्रस्टी ने प्रॉपर्टी देने से मना कर दिया, ट्रस्टी कहता मेरा एग्रीमेंट किससे हुआ है, मैं नहीं दे रहा प्रॉपर्टी, बच्चा कह रहा कोर्ट में जाऊंगा, कहता जा, स्ट्रेंजर कैन नॉट टेक लीगल एक्शन। बोलो यस और नो, बेटा कह रहा बेटा कंसीडरेशन का पूरा चैप्टर तो पढ़ लेता, एक ही क्लास लेके आया है, अगली क्लास में सर ने एक्सेप्शन भी पढ़ाए थे, नहीं समझे सुनना। इन द केस ऑफ ट्रस्ट, बताओ ट्रस्ट का केस है या नहीं है, बेनिफिशियरी कौन है, सन, कैन फाइल सूट अपॉन, ये सन इस पे केस फाइल कर सकता है। आ गया समझ, बोलो भाई ऐसा कोई है यहाँ पर जिसको नहीं आया, चलो आ गया, जरा पढ़ते हैं बुक में। एक्सेप्शन है, दैट इज स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट हैज द राइट टू, नंबर ए, इन द केस ऑफ ट्रस्ट द बेनिफिशियरी कैन फाइल सूट अपॉन। अच्छा जैसे ये नोट से कंप्लीट होगा हम लोग कहाँ पढ़ेंगे फिर, स्टडी मटेरियल पे, स्टडी मैट हमारा साथ साथ चलता है, ठीक है। दुनिया की जितनी किताबें पढ़ लो बच्चे को सेटिस्फेक्शन तभी मिलेगी जब वो क्या पढ़ता है, स्टडी मैट। तो मेरा रूल है नोट्स पढ़ाऊंगा साथ में स्टडी मैट पढ़ाऊंगा, क्लियर है। तो देखो सेम मैंने यहाँ पर वही एग्जांपल दिया हुआ है, पापा, पापा ने ट्रस्टी को बोला प्लीज टेक केयर ऑफ माई हाउस एंड गिव इट टू माई सन व्हेन ही अटेन्स मेजोरिटी। तो ट्रस्ट डीड बनी बकायदा, बेनिफिशियरी सन था, पापा की डेथ हो गई, ये सन बेनिफिशियरी गया, सन अटेन्स मेजोरिटी एंड आस्क फॉर हाउस बट ट्रस्टी डिनाइड टू गिव हाउस टू द सन। तो यहाँ सन यानी कि बेनिफिशियरी ट्रस्टी पर केस फाइल, हियर बेनिफिशियरी कैन फाइल सूट अगेंस्ट हिम इवन ही वाज स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, ऑल वेल। दूसरा वाला पहले वाले से थोड़ा मैच ही करता है बट दूसरा वाला स्पेसिफिक किसी टॉपिक के लिए है। इन द केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट ऑब्लिक मैरिज एग्रीमेंट द बेनिफिशियरी कैन फाइल सूट। सुनना ध्यान से, पहले फैमिली सेटलमेंट बताता हूं, वही है, फादर है, फादर के 2 बच्चे हैं, 2 सन, 1 डॉटर है, डॉटर शादीशुदा है, फादर के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है। तो फादर ने इन दोनों बच्चों को ये प्रॉपर्टी देनी चाहिए, उन्होंने कहा लो भाई प्रॉपर्टी अपनी, लेकिन 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 प्रॉपर्टी का एक हिस्सा या मान लो महीने के 1 लाख रुपए आप किसको दोगे, क्या डॉटर एग्रीमेंट का हिस्सा है, एग्रीमेंट बन किसके बीच में रहा है, बट ये एग्रीमेंट किसके बेनिफिट के लिए बना, यानी डॉटर कौन हो गई, बेनिफिट। अब फादर ने प्रॉपर्टी दे दी दोनों बच्चों को, फादर जो है निकल लिए,
निकल गए तो समझ गए तुम। अब बाद में डॉटर आई कि लाओ भैया हो 1,00,000 रुपए, तो उन्होंने ताई के पैसे, यू आर नॉट पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट बट आई एम द पार्ट ऑफ फैमिली। मुझे बात यह फैमिली की नहीं, एग्रीमेंट दिखाओ ना कहा है। उसने एक्सेप्शन पढ़ो जाके, इन द केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट द बेनिफिशियरी कैन, समझ गए। जो जब कोर्ट है ना, कोर्ट फैमिली कोर्ट, 70% जो केस है ना वो डिस्प्यूट चल रहे हैं प्रॉपर्टी को लेकर, और आधे से ज्यादा इसी बेस पे। सबसे ज्यादा जो लड़ाइयां होती है वो रिलेशंस में। मेरा तो ये मानना है कभी भी कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है सामने वाले को ले जाना, तो हम एक कमरे का फ्लैट ले लेंगे, रह लेंगे, डिस्प्यूट नहीं चाहिए अपने को, टेंशन नहीं चाहिए। और भगवान ने इतनी एबिलिटी दे रखी है कि दोबारा बना लेंगे, नहीं दे रखी तो एबिलिटी बनाएंगे फिर घर बनाएंगे, है ना। तो आदमियों को कभी लड़ना नहीं चाहिए प्रॉपर्टी वॉपर्टी कुछ बेकार चीजें हैं, अगर तुम जिंदा हो तो कुछ भी कर सकते हो, ये आज का ज्ञान भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सर ये फैमिली सेटलमेंट तो समझ में आ गया, अब ये मैरिज एग्रीमेंट क्या है? आज के जमाने की तो बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा पुराने जमाने की बात करते हैं। लड़के और लड़कियों के बीच की शादियां करवाता कौन था? मम्मी पापा। तो बात करने कौन ज्यादा, लड़का लड़की खुद जाते थे? है जी, मम्मी पापा एक दूसरे के चले जाते थे घर में, किसी अपनी लड़की का हाथ दे दो वो भी हाथ काट के मतलब एक तरीका था हाथ मांगना, मतलब शादी। तो माँ बाप ने ही दूसरे माँ बाप के साथ में एग्रीमेंट किया, और यहाँ कट किसका, सॉरी शादी किसकी हो रही है, लड़का और लड़की तुम्हारा भी कटेगा ज्यादा मत और ये सही बात है, कई फिल्मों में सुना था ये शादी एक ऐसा लड्डू है, खाओ तो पछताओ, ना खाओ तो पछताओ, है ना। तो तुम्हारी भी होगी फिर देखते बात करेंगे, मेरा नंबर सेव रखना अपने दोस्त डिस्कस कर सकते हो पर्सनल लेवल की बात बात आफ्टर मैरिज। आगे बढ़ते, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि उन दोनों की शादी हो गई, अब दोनों के बीच में कोई दिक्कत हो गई, तो बताओ माँ बाप दूसरे माँ बाप पे केस फाइल करेंगे? केस तो वही लोग करेंगे ना, हस्बैंड वाइफ, बट कॉन्ट्रैक्ट किसने किया था? आया समझ में? बोलो आया। इसीलिए इसके लिए मैरिज है। ऑलवेल दो बातें होगी, देखो लिखा है व्हेन फैमिली डिस्प्यूट्स आर सेटल्ड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट एंड द टर्म्स ऑफ सेटलमेंट आर रिटन डाउन इन अ डॉक्यूमेंट। टर्म्स है, जैसे कि फैमिली डिस्प्यूट है, पापा ने प्रॉपर्टी दी दोनों बच्चों को, तो लिखा कि भाई 1,00,000 रुपए किसको देना, डॉटर को। इट इज कॉल्ड फैमिली सेटलमेंट। सच एग्रीमेंट कैन बी, इसको ये लिखा इनफोर्स्ड, इनफोर्स मतलब लीगल एक्शन ले सकते बाय मेंबर इन अ डॉक्यूमेंट, इट इज कॉल्ड अ फैमिली सेटलमेंट। सच एग्रीमेंट कैन बी इनफोर्स्ड बाय मेंबर ऑफ द फैमिली हु वर नॉट ओरिजिनल पार्टी टू द सेटलमेंट, जैसे कि डॉटर। All well. तो example है, if father agreed with his son, two sons, and put a condition that property will be distributed among son after separating rupees 50 lakh for his, after death of father, sons are ignored sister, and now sister can file suit against her brothers even though she is a what? All well. दो बातें समझ में आ गई, तो आप कोर्ट में जा सकते हो, पुलिस स्टेशन भी जा सकते हो, वहां से आप जाओगे कोर्ट में, चाहे आप कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं हो, इनफोर्स कर सकते हो। ऑल वेल, पुलिस स्टेशन मत जाना, वो बड़े खतरनाक होते हैं, करप्ट होते हैं पुलिस वाले ज्यादातर, सब नहीं, जो ये बात सुन रहा है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जो पुलिस वाला सुन रहा है बहुत ही खतरनाक होते हैं। हमारे एक गाड़ी जा रही थी भाई, ट्रैफिक वाले ने वो गाड़ी रोकी, ट्रैफिक वाला कह रहा भाई चलान होगा, तो कह रहा चलान क्यों होगा, मैं तो ग्रीन लाइट पे आया हूँ। ट्रैफिक वाले ने कहा पेपर दिखा,
डीएल दिखा, डीएल भी दिखाया उसने, है ना, फाइल्स निकाल के डीएल दिखा। ट्रैफिक वाला कह रहा डीएल तो आप क्या करो, इंश्योरेंस दिखा, इंश्योरेंस भी आप क्या करो, पॉल्यूशन दिखा, पॉल्यूशन है वो अब क्या करो, गाड़ी भी ठीक ठाक है, पुलिस वाला कह रहा फिर भी चलान कटेगा, कहता क्यों भाई सब कुछ ओके, कह रहे सारे डॉक्यूमेंट तूने इस पॉलीथीन में लगे हुए, पॉलीथीन बैन है। मतलब तुम अगर उसके आगे रुक गए तो वो छोड़ेगा नहीं, थुल्ले बड़े खतरनाक होते। चलो भाई दो बातें ओके, ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट। तो प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट में जनरल कंसेप्ट, स्ट्रेंजर कैन नॉट टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, बट इसके एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस मींस द सिचुएशन जहां स्ट्रेंजर कैन टेक लीगल एक्शन। नंबर वन, इन द केस ऑफ ट्रस्ट द बेनिफिशियरी कैन फाइल सूट अपॉन ट्रस्टी। नंबर टू, इन द केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट और मैरिज एग्रीमेंट बेनिफिशियरी कैन फाइल सूट अपॉन ऑल वेल। तीसरा है, अच्छे से समझना इसको, पहले यहां बताऊंगा, इन द केस ऑफ असाइनमेंट, ये असाइनमेंट वो नहीं है तुम्हारे स्कूल कॉलेज वाला जो तुम किसी और से भरवाते थे। कितने बच्चे ने खुद ही असाइनमेंट करते थे? अब नहीं, हाथ खड़े कर दिए। अच्छा चलो, मेरे पास एक ऑफर आया था कल किसी बच्चे का, कहते सर आप किसी को जानते हो? मैं बहुतों को जानता हूँ, तू बता तुझे कौन चाहिए। कहते सर वो ना मेरे स्कूल में एक असाइनमेंट मिला हुआ है, कोई है जो पैसे लेके करवा दे। वाह अब ये भी चलन चल गया, मुझे कल ही पता लगा ये है ना, होता है 2000-1500 रुपए में। अरे किसी को कोई जानता है मुझे दे दो, मैं उसको बता दूंगा, है कोई? चलो, इन द केस ऑफ असाइनमेंट देखो, इन द केस ऑफ असाइनमेंट असाइनी कैन फाइल सूट। अगर आप असाइनमेंट करते हो तो असाइनी आपके अगेंस्ट में क्या ले सकता है? अभी समझ नहीं आया होगा ये क्या बोल रहे थे, फालतू की बातें। अब एग्जांपल दूंगा और फिर ये लाइन दोबारा पढ़ जाएंगे। क्या हुआ कि किसी क्रेडिटर ने, मान लो सिंपल, मैं दीपक पाठक, मैंने किसी राहुल गुप्ता को लोन दिया, मान लो 1,00,000 रुपए का, और ड्यू डेट है 2 महीने बाद की, आज तारीख है मान लो 13 जून। डन, यहां तक ओके? तो दीपक भाई ने लोन दिया राहुल गुप्ता को 13 जून को, और राहुल ने वादा किया 2 महीने बाद, यानी कि 13 अगस्त को राहुल मुझे लोन की रीपेमेंट कर देगा, कोई दिक्कत? राहुल चला गया अपने घर, राहुल अपने घर गया, 1-2 दिन बीते और दीपक पाठक के पास कोई बड़ी इमरजेंसी आ गई, और वहां दीपक को 1,00,000 रुपए की जरूरत पड़ी। बताओ दीपक राहुल के पास जा सकता है? नहीं जा सकता, क्योंकि राहुल ने वादा कितने दिन का किया? मान लो बैंक ने आपको लोन दिया 1 साल का, तो दूसरे दिन बैंक वाले लड़के भेज दे करके, नहीं भाई हमें तो जरूरत है, ये साले मैंने वो पैसा यूज कर लिया, आया समझ में? तो दीपक अब राहुल के पास तो कतई नहीं जा सकता। मतलब मैं कानूनी बात कर रहा हूँ, जब यारी दोस्ती में तो क्या पता राहुल वापस दे दे पैसे, मैं कानूनन बोल रहा हूँ, कानूनन नहीं जा सकता।
लेकिन दीपक को 1 लाख चाहिए। तो बताओ, पहले ये बताओ, 2 महीने बाद राहुल गुप्ता से पैसे रिकवर करने का राइट किसके पास था? राइट ऑफ रिकवरी किसके पास थी? दीपक के पास। या तो कोई दिक्कत, दीपक के दिमाग खराब हो रहा है, नहीं भाई 1 लाख की जरूरत है। तो दीपक गया किसी आशीष के पास। किसके पास गया? दीपक ने आशीष से बोला कि मेरे को तू 1 लाख रुपए दे दे, 2 महीने बाद तू ये 1 लाख रुपए किससे रिसीव कर लियो? ऑल वेल भाई, राहुल से फोन पे बात बात करवा दी, एक्नॉलेजमेंट करवा दी, डन। यहां तक तो दीपक पाठक ने अपना राइट टू रिकवर किसको असाइन कर दिया? असाइन मतलब ट्रांसफर। जिसने किया उसे बोलते हैं असाइनर। असाइनर मतलब ट्रांसफरर ऑफ राइट। जिसको किया उसे कहते हैं असाइनी, और पूरी ट्रांजेक्शन को क्या कहते हैं? असाइनमेंट मींस ट्रांसफर ऑफ राइट। ऑल वेल। बताओ, दीपक और राहुल के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ था? राहुल ने 2 महीने बाद पैसे नहीं दिए, केस कौन करेगा? आशीष। आ गया समझ? तो ये एक्सेप्शन नहीं हो गया, जनरल कंसेप्ट ओनली, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी कैन टेक लीगल एक्शन, बट आशीष तो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी था ही नहीं, बट आशीष कैन टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट राहुल गुप्ता। कौन बच्चा है जिसे पल्ले नहीं पड़ा? आ गया भाई, चलो। इन केस ऑफ असाइनमेंट मींस ट्रांसफर ऑफ राइट्स, असाइनमेंट ऑफ बेनिफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तुमने मेरा फोन देखा है? इतने बुरे हाल नहीं है कि बेचना पड़े, कोई कंपनी हो तो बताइए, खरीदना है पैसा बहुत। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? पैसा नहीं है ज्यादा, सालों किडनैप कर लेंगे मेरा तो। अर्जुन हैज टू रिकवर ₹10 लाख फ्रॉम करण। तो अर्जुन को पैसों की जरूरत पड़ गई। अर्जुन सोल्ड हिज राइट टू भीम। सही बंदे को दिया, भीम तो करण ऐसे उठा देगा, दे रहा कि दे रहा। Beam is here assignee, that is buyer of right and can file suit upon. यह एक चीज और सबसे बेस्ट बता दो। मान लो मिस्टर ए ने अपना टर्म इंश्योरेंस कराया, ठीक है, HDFC लाइफ से। ए HDFC को साल का 20,000 का प्रीमियम पे कर रहा है कि जब भी ए की डेथ होगी तो उसकी फैमिली को 1 करोड़ रुपए मिलेगा। इसको कहते हैं टर्म इंश्योरेंस। ए की डेथ हो गई तो HDFC लाइफ को 1 करोड़ देने चाहिए, परिवार को नहीं दी HDFC लाइफ ने परिवार को, ये सोचकर कि ए तो मर गया और स्ट्रेंजर के नॉट फाइल लीगल एक्शन है। तो ए की आत्मा तो आएगी नहीं केस करने के लिए। तो भाई इस सिचुएशन में ए का जो भी असाइनी होगा, मतलब ए के सारे राइट्स ट्रांसफर हो गए होंगे उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, वो लेगा HDFC लाइफ पर केस करेगा। आ गया समझ? सही है। तो देखो, द असाइनी ऑफ एन इंश्योरेंस पॉलिसी कैन स्यू इवन दो ही वॉज नॉट पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। ऑल वेल। अब नंबर डी, एक्नॉलेजमेंट। बेटे हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, तुम्हें एग्जांपल समझ में आ रहे हैं? ऐसी मुंडी हिला रहे हैं क्लास में बैठे बैठे। अब नंबर डी कहता है एक्नॉलेजमेंट।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्नॉलेजमेंट? एक्नॉलेज करना, तो यही तो पूछ रहा हूँ क्या होता है मतलब, किसी चीज को अपनी नॉलेज में डालना। सुनना, कोई मिस्टर ए है गोइंग टू मुंबई, गोइंग टू, ठीक है, तो ए नाम का कोई बंदा है मुंबई जा रहा है, तो मैं दीपक पाठक, मुझे 20,000 रुपए जो है वो मुंबई में किसी केपी नाम के बंदे पे को भिजवाने, तो ये मैं बोल ना सर पेटीएम कर दो, आज का दौर नहीं चल रहा, पुराना दौर चल रहा है, नहीं तो बैंक भी ट्रांसफर नहीं हो रहा, इंटरनेट नहीं, 1960 की बात करें, अब बोलते एक्ट कब आया, 1872 है ना, 1872 की बात करो, अब बोल सर कबूतर गया मुंह में रख दो, कबूतर को छींक आ गई तो पैदल घूमने जाएगा नीचे, चलो तो सुनना ये ध्यान से, अब ये डीपी भाई को 20,000 रुपए केपी को भिजवाने थे, केपी मुंबई में रहता है किसी भी जगह पे, नाम कर देते मुलुंड, एक जगह का नाम है, मेरे मामा जी रहते हैं, बहुत ही घटिया जगह, ठीक है, ऑटो वाला वो भाई, चलो आगे बढ़ते, तो अब मिस्टर ए भी ट्रेन पकड़ने वाला है अगली सुबह, तो ए को मैंने बोला यार एक काम कर, ये 20,000 रुपए तू लेके चले जा, तू दे दियो केपी को, डन, तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट। अब केपी से एक्नॉलेजमेंट करवा दिए, केपी से एक्नॉलेजमेंट करवा दिए कि केपी देख तेरा पैसा मैंने मिस्टर ए को दे दिया है, अब आपस में बात कर लो। केपी ने पूछा हाँ ये कब की ट्रेन है, इतने बजे की, ठीक है भाई डन, मैं तुझे स्टेशन पे मिलूंगा, ये वो जो भी था डन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट इसके बीच में हुआ है। अब मिस्टर ए मुंबई उतरा, और मुंबई उतरा तो उसको केपी के घर जाना पड़ा, मान लो रेलवे स्टेशन नहीं आया केपी, केपी के घर जाना था दो दिन बाद, लेकिन मुंबई थोड़ी ना, मुंबई जैसे जैसे रात होती है वैसे वैसे मुंबई का नजारा बदल जाता, पता है आप लोगों को ये बात, मुंबई कभी भी नहीं सोती, रात और दिन चलती रहती है, तो नया नया मुंबई में घूम रहा था वो, तो फिर उन्हें सारे पैसे उड़ा दिए भाई, कहाँ उड़ाए पूछना मत, लेकिन उड़ा दिए। अब मिस्टर ए ने वो सारा का सारा पैसा उड़ा दिया, तो बताओ अब केपी यहाँ क्या करेगा, केपी एक्शन लेगा या नहीं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो ए का किसके साथ हुआ है, लेकिन एक्नॉलेजमेंट अगर करवा दी गई है तो फिर एक्नॉलेजेबल पर्सन जिससे करवाई है वो बंदा एक्शन ले सकता, ऑल वेल, चलो एक्नॉलेजमेंट में देखो, The person who becomes an agent of third party by acknowledgement or otherwise can be sued by such third party. A gives to Y rupees 50,000 to be given to Z. इसको देने के लिए Y informs Z that the holding the money for him. Y ने inform कर दिया भाई तेरा पैसा मेरे पास है. Later on, Y refuses to pay the money. तो जेड इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द मनी फ्रॉम ऑल वेल, सही है, समझ में आ गया। अगला है हमारा कोविनेंट रनिंग विद लैंड, लास्ट है कोविनेंट रनिंग विद लैंड, मालवीय नगर में सर की वो ब्रांच वो मैगडी के बगल में है, नहीं नहीं आपको बहुत आगे सकते हैं वो पीछे ही है, मैं गए का मैं नहीं हूं, अच्छा अच्छा अच्छा, वहां का सर का बहुत अच्छा है, इनको बहुत अच्छा बना है, कोविनेंट रनिंग विद लैंड, अब जरा समझना बहुत अच्छे से, कोविनेंट मतलब होता है कंडीशन,
रनिंग मतलब होता है अटैच्ड, लैंड मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी है जी, कंडीशन अटैच्ड विद इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये लास्ट टॉपिक है प्रिविटी का। क्या हुआ है, डीपी यानी कि मैं, मेरे पास एक घर है, आज इस घर को मैं बेचना चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं, बेचना। नहीं, मैं नहीं बेचना चाहता, मेरे पास ये घर है, कोई केपी नाम का बंदा मेरे पास आया और ये घर खरीदने का मुझे क्या दिया, ऑफर। इस बंदे ने, केपी ने डीपी को बोला कि भाई घर बेचेगा, ठीक है, डीपी ने बोला नहीं निकल, फिर केपी ने बोला भाई बेच दे यार, अच्छी डील दे रहा हूं, तो डीपी ने बोला ठीक है भाई 3 करोड़ प्लस इस घर पे 4 लाख रुपए का इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू है, क्या है 4 लाख, तो बता वो बिल तू पे करेगा तो मैं बेच लूंगा, नहीं पे करेगा तो मेरे को कोई लोड नहीं, मैं मस्त रह रहा हूँ घर के अंदर, कोई टेंशन नहीं, बिजली अभी भी आ रही है, ठीक है समझ रहे हो। केपी ने सोचा है 3 करोड़ की डील है, जान देना 4 लाख रुपए, केपी ने बोला ओके। तो देखो, कंडीशन अटैच्ड विद डीपी ने इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचते वक्त क्या रखी, क्या था, ओके। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट किन दोनों के बीच में हुआ, डीपी और केपी, डीपी ने 3 करोड़ रुपए लिए, चला गया भाई अपना, 50 लाख का फ्लैट लिया कहीं बढ़िया सा, और 2 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिए, और 50 लाख रुपए से मस्त 4-5 कंट्री घूमी 1 साल तक, कोई टेंशन नहीं। 2 करोड़ रुपए से पर एनम का 10% यानी कि 20 लाख रुपए उसको वहां से रिटर्न मिलता है, वो हर महीने 1.5 लाख रुपए उड़ाता है और फ्लैट में रहता है। तो देखो, मैंने आपको इन्वेस्टमेंट प्लान बता दिया, ठीक है अच्छे से अगर किया जाए तो इन्वेस्टमेंट प्लान भी बड़े अच्छे, अच्छी तरीके से आप अपनी लाइफ को चला सकते हो। तो डीपी चला गया, अब क्या हुआ, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो ड्यू था, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल केपी ने नहीं भरा, केपी ने बिल नहीं भरा। तो अब आप लोग ये बात बताओ कि इस केपी के ऊपर लीगल एक्शन बिजली वाला यानी कि बीएससीएस वाला ले सकता है या नहीं, लेकिन ये तो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, लेकिन सर पेपरों में साफ लिखा है केपी ने बोला था कि बिल तो मैं भरूंगा, आ गया समझ में, कंडीशन अटैच्ड विद इमूवेबल प्रॉपर्टी, और इसको लॉ की लैंग्वेज में कहते हैं कोविनेंट रनिंग विद लैंड, आ गया समझ। तो ये है हमारा कोविनेंट रनिंग विद लैंड, इफ द बायर बाय द लैंड नोइंग दैट देयर आर सर्टेन ड्यूज, देन सच ड्यूज कैन बी रिकवर्ड बाय लैंडर, गवर्नमेंट, क्रेडिटर, जो भी हो, ऑल वेल। तो ये हमारा टोटल प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कैसा लगा जी, अच्छा। तो प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, अभी मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, फिर मैं रिवाइज करवाऊंगा आपको, एंड देन आगे बढ़ेंगे, कॉल करना थोड़ा मुझे, ज्यादा बात मत करना, सब इसमें सुनाई देता। Gracias.
Thank you.